एक जुलाई से नए सत्र की शुरुआत हो गई है। इनके रोटरी क्लब के जो भी प्रेसिडेंट हैं वो नए इस बार 1 जुलाई से चुने गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमने पहले ब्लड डोनेशन कैंप 14 जुलाई, आगे प्लानिंग में हमने सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हम एक रोटरी क्लब बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, शिक्षा से संबंधित बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिजिटल एजुकेशन बच्चों को मिल सके। नमस्कार, न्यूज एन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथी प्रताप चौधरी और आज हम हैं SRS इंटरनेशनल स्कूल में। 1 जुलाई से नए सत्र की शुरुआत हो गई है। इनके रोटरी क्लब के जो भी प्रेसिडेंट हैं वो नए इस बार 1 जुलाई से चुने गए हैं। तो आज हमारे साथ हैं विनय गोयल जी, जो कि रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद ग्रीन के इस 2024-25 सेशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। यूं तो शहर में बहुत सी सामाजिक संस्थाएं काम करती रहती है, लेकिन रोटरी क्लब हुआ या इनर व्हील क्लब हुआ या और भी इस तरह के जो क्लब हैं वो बेहतर प्रयास करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम विनय जी के साथ चर्चा करेंगे। आप SRS इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो सर 2024-25 का नया सेशन शुरू हो गया 1 जुलाई से, तो किस तरह से आपकी आगे की प्रणाली रहेगी, कैसे आगे काम करेंगे, क्या क्या योजनाएं आपके टेन्योर में रहने वाली हैं? प्रताप जी, पहले तो आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमने पहले ब्लड डोनेशन कैंप 14 जुलाई 2024 संडे के दिन सारे पेरेंट्स के लिए हमने यहाँ पे आयोजन करा है, जो कि SRS इंटरनेशनल स्कूल में ही होगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे प्लानिंग में हमने जो प्रोजेक्ट्स रखे हैं उसमें सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का रखा है। जितने भी लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको वो सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे। इसके लिए हमारी बात जितने भी सोसाइटीज़ हैं, उनके प्रेजिडेंट्स हैं, उनको उनके साथ मिलके ये प्रोजेक्ट्स हम करेंगे। कुछ स्कूल्स हैं, उनके साथ मिलके हम ये वाला काम करेंगे। दूसरा, हम एक रोटरी क्लब बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। जो कि स्कूल लेवल पे बनता है, 12 साल से 18 साल के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें हम रोटरी को अपने स्कूल में लाके बच्चों को भी बताना चाहते हैं कि भाई एक सेवा का कैसे सेवा करी जाती है, और उनको पहले से इस चीज में हम एंट्री देना चाहते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया है। रोटरी का एक बहुत अच्छा आपका आइडिया है, क्योंकि और भी कई रोटरी कॉलेजेस में और स्कूल्स में चल भी रहे हैं, और अब अगर देखा जाए तो BPTP यानी कि ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ मेरे ख्याल से कोई रोटरी अभी बना नहीं है, तो फर्स्ट आई थिंक रोटरी ग्रीन की तरफ से ही होगा। हाँ जी, रोटरी ग्रीन की तरफ से होगा सर जी। उसके बाद हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो प्लांटेशन के ऊपर है। प्लांटेशन, तो अभी जो हमारा टारगेट है, हम 10,000 ट्रीज प्लांटेशन का सोच रहे हैं 1 साल के अंदर। जी जी। जिसमें कि फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद में हम हमारा ज्यादा फोकस रहेगा इसके लिए। कुछ जगहों पर हमारे पास हमने कुछ जगहों को हमने चिन्हित करा है, जिसमें कि हम पानी की समस्या है जहाँ पे हम वहाँ पे वाटर कूलर की प्रोवाइड कराएंगे। आजकल एक और समस्या जो लेडीज में, गर्ल्स में ज्यादा आ रही है सर्वाइकल कैंसर के लिए, उसमें भी हम डिफरेंट स्कूल से हमारी बात चल रही है, और अपने स्कूल के बच्चों के लिए भी, दूसरे स्कूल के लिए भी हम उसमें सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के लिए भी हमारी हमारी डिस्ट्रिक्ट से बात हुई है, और वो भी जल्दी से जल्दी हम इस वाले प्रोग्राम को, क्योंकि किसी हॉस्पिटल के साथ भी कोई टाइप किया है। अभी हमारी बात अमृता हॉस्पिटल से भी हुई है, सर्वोदया से भी चल रही है। इसमें डिस्ट्रिक्ट ग्रांट मिलती है रोटरी की तरफ से, हमारी उनसे भी बात हुई है, हमारे जो DG साहब है उनसे भी हमारी बात हुई है, तो जल्दी से जल्दी हमको फंडिंग मिल जाएगी, उसके बाद हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। आपने बिल्कुल सही बात कही कि ट्री प्लांटेशन की बहुत ज्यादा शहर को जरूरत है। जल और वायु दो ही ऐसी चीजें हैं जिनकी कमी अब बहुत ज्यादा होती जा रही है। दिन प्रतिदिन आप देखें, लोग पानी के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, और वायु तो वैसे ही हमारे दिल्ली शहर की बहुत ज्यादा खराब है। तो मेरे ख्याल से सभी को प्लांटेशन करनी चाहिए, और ये सही समय भी है, क्योंकि बरसात का समय है, तो इस समय जो आपने पेड़ लगा देंगे तो वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल जी, प्लांटेशन के साथ साथ
लगाना एक अलग बात है, और उसको बड़ा करना, उसको बड़ा करना, उसकी पानी देना, तो इस तरीके से भी हम अपने बच्चों के जो भी हमारे क्लास 1 से 12 तक के स्टूडेंट हैं उनको भी हम अवेयर करेंगे, उनके पेरेंट्स को भी अवेयर करेंगे। और इस दिशा में हमारा एक मेन फोकस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टीवी लगाएं और अपने वातावरण को, अपने एनवायरमेंट को थोड़ा हम अच्छे समझें। जी जी जी, आप स्कूल संचालक भी हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे शहर में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक के जो पिछड़ा वर्ग है वो शिक्षा से वंचित रह जाता है, तो शिक्षा से संबंधित भी कोई आप ऐसे कोई प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, क्योंकि अब तो आप रोटरी के प्रेसिडेंट भी हैं, इधर आप स्कूल संचालक भी हैं, तो कोई ऐसा मिला जुला सा कुछ ऐसा सोचा है आपने शिक्षा से, वो बच्चियों के लिए हो? शिक्षा से संबंधित जो हमने अभी अपनी प्लानिंग में डाला है इस कमिंग ईयर्स के लिए, तो पहला हमारा बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्लस एक हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था तो उसको हम दोबारा स्टार्ट करेंगे जी, और उसको हम रोटरी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम हमारा फोकस ये रहेगा कि डिजिटल एजुकेशन बच्चों को मिल सके, क्योंकि आज की डेट में हर बच्चे के पास, बड़े के पास फोन की फैसिलिटीज ऑलरेडी है, तो वो वहाँ पर जाकर लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड के साथ लॉगिन करेगा, वो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें जितने भी मेन सब्जेक्ट हैं उनको डिजिटल कंटेंट वहाँ पे उनको मिलेगा। बहुत बढ़िया विनय जी, रोटरी से जुड़ने का क्या तरीका रहता है और कैसे किस तरह से आप लोग मेंबर्स चूज करते हैं, कैसे बनाते हैं? रोटरी में जुड़ने में तो सबसे बड़ी बात पहले सेवा भाव की है जी, जिसके अंदर सेवा भाव है, जिसका थोड़ा मन सेवा में लगता है तो वो रोटरी को ज्वाइन कर सकता है, और किसी भी जैसे फरीदाबाद में भी काफ़ी क्लब हैं तो उनको उनमें जितने भी अपने रेफरल के थ्रू वहाँ पर उनके जो भी अगर हम बात करें अपना अपने सीवी के साथ सारी चीज़ों के साथ वो जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात, अगर आप में सेवा भाव है तो आप रोटरी से भी जुड़ सकते हैं। वैसे तो शहर में आप देखते हैं कि अनेकों संस्थाएं काम कर रही हैं, समाज प्रगतिशील होना चाहिए, हमारे समाज में जो लोग रहते हैं वो प्रगतिशील होने चाहिए, सबसे मेन मुद्दा तो यही है। तो हमारे साथ विनय जी थे, आपने उनको सुना, नए नए प्रेसिडेंट बने हैं, आगे बहुत सारे उनके कार्य होंगे, बाकी भविष्य में देखते हैं कि रोटरी ग्रीन ग्रेटर फरीदाबाद के लिए कितना अच्छा काम कर सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।